तो ये क्लास 10th का मैथ है, पहला पार्ट वास्तविक संख्याएं। इसमें मैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 और 2 उसमें देखोगे ना, तो मैंने ये सब क्वेश्चन करा दिए हैं। तो ये क्वेश्चन अपना पढ़ लेना है, तो इसको कर लेना। अब जब ये हो जाएगा तो अब ये आगे करते हैं। तो मैंने 6 तक करा दिया था, 7वां कराता हूँ। देखो, 7वें में लिखता है, दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। अब घन क्या होता है, जैसे 2 की घात 3, इसे घन बोलते हैं, 2 का घन। तो 2 की घात 3 आएगा, 2 दुनी 4, 4 दुनी 8, ऐसी 3 का घन, तो 3 3 होती 27। तो कह रहा है किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन का रूप, यानी जैसे घात 3 3 लगाओगे तो उसका रूप आएगा 4m या 4m+1 या 4mj+3 होगा। तो ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसको पिछली बार की तरह, अगर पिछला वीडियो देखा हो या सीखा हो, तो हम ऐसे करेंगे। माना ए व बी कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना ए और बी कोई धनात्मक पूर्णांक है, और ए से बड़ा, मतलब बी से बड़ा ए है, और उसके बाद लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। हाँ, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, या परमेयिका भी बोल देते हैं, परमेयिका से। तो फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और जहाँ 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू आर और लेस देन बी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमें क्या प्रूव करना है कि 4m होना चाहिए, 4m+1 या 4m+3, तो यानी 4 का पाड़ा। अगर वहाँ पे लिखा होता 3m, तो 3 का पाड़ा, कुछ भी पाड़ा पूछ सकता है। तो हम यहाँ पे बी का मान क्या ले लेंगे, 4। तो आर का मान क्या आएगा, 4 से छोटा, 0, 1, 2 और 3 तक आएगा ना। तो क्या बनेगा, तो ए बराबर बी की जगह हम यहाँ 4 लिख देंगे, तो बनेगा 4q+ आर की जगह एक बार 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, बस, है ना। अब इनका बारी बारी से बोला था घन करो, और घन करने पे 4 का m या 4m+1 या 4m+3 आए ना। तो अब लिख देंगे घन करने पर, अब क्या लिख देंगे, अब हम एक एक करके इन सभी का घन करेंगे। तो पहला क्या है, 4q+0 का मतलब 4q ही तो है, तो 4q का घन करो, पावर 3 घन करोगे तो क्या आएगा, 4q × 4q और × 4 तो 4 × 16 = 64 q² मुझे 4 का पड़ा बनाना है, तो 4 ले लो, बाकी सब छोड़ दो, तो 16 q² छोड़ दो, तो यहाँ पे क्या लिख दो, m। इस पूरे को हटा क्या लिख दो, m, हमें 4m बनाना है। और लिख देंगे यहाँ पे, माना 16 q² की जगह हमने क्या लिख दिया, m, कोई धनात्मक पूर्णांक या एक धनात्मक पूर्णांक है, बस इतना लिखना होता है। यानी ये क्यू की जगह तुम कुछ भी पुट करो, 1, 2, 3 कुछ भी पुट करो, वो कहीं ना कहीं आके 4 से गुना ही होना है। तो यानी ये संख्या 4 का गुणनफल है, इसका ये मतलब हुआ, ठीक है। ऐसे अगला ले लेंगे, 4q+1 का घन कर देंगे। अब इसमें फॉर्मूला याद करो, a+b³ क्या होता है, याद है, a³ + b² + 3a² + 3ab² + b³। ये घात 3 वाला पूछ रहा हूँ, तुम स्क्वायर वाला बता रहे हो, इतना आसान थोड़ी ना होता है। अब देखो यहाँ पे, ये वाला a³, a की जगह क्या आएगा, 4q³ और प्लस 3 × a² ए की जगह क्या आएगा, 4q² और बी की जगह 1, फिर 3 × a की जगह 4q और × b² बी की जगह 1 का स्क्वायर, फिर b³ यानी 1q³, तो 4q³ आएगा, 4 का स्क्वायर 16 = 64, ये आ जाएगा 64q का, फिर 4 का स्क्वायर 16 = 48q², ये आ जाएगा 4 × 3 = 12q और प्लस 1 का q, जितना भी पावर हो एक ही होता है। अब ऐसा करते हैं, इन सब में से 4 का पड़ा निकाल लेंगे ना, तो बचेगा 16q³, यहाँ बचेगा तुम्हारा 12q² और प्लस यहाँ बचेगा 3q और प्लस 1, और इस पूरे को क्या मान लेंगे, तो आ गया ना 4m+1। और बगल में देखेंगे, माना ये जो ब्रैकेट वाला है ना, 16q³ + 12q² + 3q, ये बराबर में क्या है, m, ले देंगे क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब ऐसे ही बारी बारी से 4q + 2 का q कर लेंगे ना, तो इसमें फॉर्म लगा दोगे, तो a³ + 3 × a² × b,
थ्री इंटू में ए इंटू में बी का स्क्वायर और प्लस बी की घात तीन, तो आ जाएगा चार चौक सोलह चौक चौंसठ, तो जाएगा चौंसठ क्यूब का क्यूब, चार का स्क्वायर सोलह थी अड़तालीस, अड़तालीस दुनी छियानवे क्यूब का स्क्वायर, ऐसी दो का स्क्वायर चार, चार चौक सोलह थी अड़तालीस क्यूब और प्लस दो दुनी चार दुनी आठ, ठीक है। तो देखो हमें क्या बोला था कि या तो चार क्यू चार एम बने या चार एम प्लस वन बने या चार एम प्लस तीन बने, तो या तो चार एम बनाना है या चार एम प्लस वन बनाना है या चार एम प्लस तीन, इन तीनों में से कोई एक बन जाए, तो ऐसा करते हैं सब में से चार का ही पाड़ा कॉमन ले लेते हैं ना, तो चार चार का पाड़ा लेंगे तो सोलह क्यू का क्यू, चार दुनिया चार चौक सोलह, चार दुनिया चार चौक सोलह क्यू का स्क्वायर, चार के चार चार दुनिया आठ क्यू और प्लस चार दुनिया, नहीं अब इस पूरे को क्या मान लेंगे और बगल में लिख देंगे यहाँ ये सारा एक धनात्मक पूर्णांक है जो एम है ना, लिख लोगे ना ये तो, फिर ऐसे अगला वाला ले लेंगे, अब ले लेंगे फोर क्यू प्लस थ्री का होल क्यूब, तो लगा देंगे ए की क्यू प्लस थ्री इंटू ए का स्क्वायर इंटू बी है ना, फिर ले लेंगे थ्री इंटू ए इंटू में बी का स्क्वायर और प्लस बी की क्यू, तो फॉर्मूला जाएगा चार चौक सोलह चौक चौंसठ क्यू का क्यू, चार का स्क्वायर सोलह, सोलह तीन अड़तालीस, अड़तालीस तिया, अब अड़तालीस तिया कितना होता है तीन अट्ठे चौबीस का चार ऐसे दो चौथे बात एक सौ चवालीस आ रहा है, फिर जाएगा तीन का स्क्वायर नौ, नौ चौक छत्तीस, छत्तीस तिया एक सौ आठ, एक सौ आठ क्यू ही आएगा बस प्लस सत्ताईस है ना, समझ में आ गया था। इस सत्ताईस को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस सत्ताईस को मैं चौबीस जमा तीन लिख सकता हूँ है ना, तो आगे वाला सेम रहने दो, इन सब में से सिर्फ चार का पड़ा कॉमन लोगे तो बचेगा सोलह, चार दुनिया चार छः चौबीस, गलत हो गया, चार तिया बारह, चार छः चौबीस, चार दुनिया आठ, चार सत अट्ठाईस और चार चार अठे बच चार 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 छः चौबीस है ना प्लस ए तीन बच गया ना, तो हमें तीन रूप लाना था, या तो चार एम लाना था या चार एम प्लस वन लाना था या चार एम प्लस तीन, तो यहाँ पे सत्ताईस को तोड़ के तीन छोड़ देंगे, तो अब इन सब में से देख रहे हो ना सब में चार पाड़ा को मैं लिया तो ये चार एम हो जाएगा प्लस तीन, तो अलग देंगे यहाँ पे माना ये सारी संख्या क्या है एक एम है जो धनात्मक पूर्णांक है, तो हो गया ना प्रूफ, तो अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन है ना या घन किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 4m या 4m प्लस 1 या 4m प्लस 3 के रूप का होता है, इसका ये मतलब हुआ कोई भी संख्या लो उसके उसका घन कर दो, चलो मैंने मान लो 6 ले लिया और मैंने 6 का क्या कर दिया तो 6 छः छत्तीस, छत्तीस छः 216 आ गया है, अब जो 16 होगा ना इसको चार के पाड़े से भाग करो तो या तो चार का पाड़ा आएगा या चार के पाड़े में एक शेषफल बचेगा या चार के पाड़े में तीन शेषफल बचेगा बस, तो देखो मैं चार से भाग करके दिखाता हूँ, तो आ जाएगा तुम्हारा चार पचे बीस, फिर जाएगा चार चौक सोलह, ये तो पूरा पूरा कट गया, तो आ रहा है ना चार के पाड़े में यानी, तो यानी चार एम का रूप आ रहा है, ऐसी कोई भी संख्या तुम प्रैक्टिस करो सात के क्यू लो उसको भी चेक करना, या तो चार का पाड़ा बचेगा या नीचे एक शेषफल आएगा या तीन शेषफल आएगा बस, ठीक है। देखो ये अगला क्वेश्चन है आठ, तो लिखा है आठवां यूक्लिड विधि या यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा संख्या 441, 567 और 693 का मास अपा ज्ञात करो यानी SCF ज्ञात करो, मास अपा को बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, तो इन तीनों संख्याओं का मास अपा निकालना है, वो भी कौन सी विधि से यूक्लिड विभाजन वाले से, ठीक है। तो ये तुमने अब यूक्लिड विभाजन दो संख्याओं का तो कर लेते हो, अब यहाँ पे तीन संख्या का कैसे करना है, ठीक है, तो मैं बताने जा रहा हूँ। तो देखो आठ में तीन संख्या कौन सी दी है, एक 441 दी है, एक 567 और एक 693, इसमें जो पहले जो सबसे बड़ी संख्या होती है ना, दो संख्याएं जो सबसे बड़ी हैं पहले उन्हें उनमें से SCF निकालना है, तो बताओ इनमें से दो बड़ी कौन सी है, एक ये और ये है, ये सबसे बड़ी है और ये इससे छोटी है, फिर सबसे छोटी है, जो पहले सबसे बड़ी है
उससे उसकी जो छोटी वाली संख्या है, सबसे छोटी नहीं, पहले जो सबसे बड़ी है ना, जो दूसरे नंबर, वो दूसरे नंबर पे जो छोटी है फिर सबसे छोटी है, सब छोटा छोड़कर इससे भाग करना है। तो ये एक बार में हो जाएगा 567, घटाने पे ये आएगा 3 में 7 नहीं जाएगा ना, 8 लेंगे 13, 13 में 7 गया 6, यहाँ बचा 8 में 6 गया 2, और यहाँ बचा 126 आ गया। अब 126 शेषफल आ गया ना, तो यहाँ से दोबारा डिवाइड शुरू हो जाता है और ये कहाँ जाएगा 567। अब ना इसको इससे भाग करना है, तो 4 बार में जाएगा शायद, 4 6 24 का 4 हासिल 2, 4 दुनिया 8 10 का 0 हासिल किया 1, 4 1 4 2 5, 504 आ गया, घटाने पे आ रहा है 63, तो शेषफल आ गया। अब दोबारा ये 126 से भाग करेंगे, 63 दुनी 126, शेषफल 0 आ गया, तो यानी एस सी एफ क्या आ गया, ये दो नहीं लेना है, ये लेना है, तो 63 आ गया है। अब जो ये इन दो का 63 आ गया, तो इस 63 से अब जो छोटी वाली संख्या जो बची थी ना, अब उससे भाग करेंगे, 7 से भाग किया मैंने, तो 7 से 21 का 1 हासिल 2, 7 4 44, ये तो पूरा ही कट गया, तो इसका भी एस सी एफ क्या आ गया दोनों का, 63, यानी पहले दो संख्याओं का एस सी एफ 63 आ गया, फिर 63 और 441 का हमने निकाला ना जब, तो वो भी क्या आ गया 63 आ गया, तो हमारा आंसर क्या हो गया एस सी एफ, 63। लेकिन यूक्लिड विभाजन से लिखना था ना, तो यहाँ पर लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, पहले हम लिख देंगे ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, और लिख देंगे जहाँ जीरो से बड़ा आर से बड़ा बी। अब उसके बाद बारी बारी से लिख देंगे, पहले ये वाला ये गुना ये, तो 693 बराबर 567 गुना शेषफल, ये एक भागफल और शेषफल जमा 126, फिर ये वाला लिख देंगे 567 है ना, 567 आ रहा है 126 गुना 4 और शेषफल 63, फिर हमने 126 को भाग दिया था 63 गुना में 2 जमा शेषफल 0, तो एससीएफ कितना आ गया था 63, और फिर हमने इन दोनों का निकाला था, तो 441 बराबर 63 गुना में 7 जमा शेषफल 0, तो हमारा एससीएफ क्या आ गया, तो ऐसे करना था, ठीक है, तो 3 संख्याओं का ऐसे करना होता है, इसको अपना रिवाइज कर लेना।